दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं, सिलेबस से हट के या मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे मैं कभी बात नहीं करता। लेकिन मैंने जो सोचा कि 2023 में मेरे आसपास के जो मित्र हैं और बहुत से मेरे भाइयों ने हाई स्कूल के इंटर के पेपर दिए हैं और वो 2023 का पैट का फॉर्म भर चुके हैं, और अब 2023 में उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि वो अपने इस कोर्स से अच्छा कर सके और 2024 में यूपी SSC द्वारा जो भी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए उसमें वो शामिल हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसीलिए है, देखेंगे हम 2023 में होने वाले उत्तर प्रदेश में पेट के पेपर के बारे में, संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसमें अपना अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 100 में ऐसे 85 प्लस नंबरों को हम ला सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको नॉलेज झाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप किस तरीके से, क्योंकि फॉर्म भरना तो शुरू हो चुके हैं, 15 दिन बचे हैं, और अब इन 2 महीने में दोस्तों हम किस तरीके से अपनी तैयारी को करें और कितना पढ़ें कि हम पैट को अच्छे से पास कर पाएं। क्योंकि दोस्तों 2023 में अगर आपके नंबर 70 या 75 के भी करीब आ रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि 2021 और 2022 का अगर आप पेपर देखेंगे, पेपर का लेवल देखेंगे और देखेंगे कितने सारे बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो यकीनन आपको समझ में आएगा कि आप कितने पीछे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम बात करते हैं क्या क्या हम करें ताकि हम अच्छे से पास हो सकें। सबसे पहली बात दोस्तों, पैट क्या है? तो पैट उत्तर प्रदेश में UP SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तृतीय वर्ष 2021 में हुआ था, 2022 में अब तीसरी बार 2023 में दोस्तों यह हो रहा है। तृतीय वर्ष एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है जो कि कंडक्ट करवाई जाती है, केवल यह देखा जाता है कि आप मुख्य परीक्षा देखने के काबिल हैं भी या नहीं। 2021 में इसमें दोस्तों भरे गए थे 19 लाख प्लस फॉर्म, 2022 में इसके जो भरे गए थे 39 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। अब 2023 में दोस्तों देखना है कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं। मेरा अनुमान है दोस्तों कि 40 लाख प्लस फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पैट UP SSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि UP SSC द्वारा उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, चाहे दोस्तों वो लेखपाल हो, चाहे दोस्तों बंदरगाह हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो, और भी अन्य जितनी भी ज्यादातर यूपी में जो एग्जाम होती हैं वह UP SSC द्वारा करवाई जाती हैं। अगर आप उनकी मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं, उनमें शामिल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों पैट का फॉर्म भरना होगा और उसे अच्छे नंबरों से पास करना होगा। इसके बाद में अब इसका दोस्तों पाठ्यक्रम क्या है, जो ज्यादातर दोस्तों पाठ्यक्रम इसका बढ़ा के लिखा गया है, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और जो टॉपिक सभी बच्चों के लिए टफ है और आपको भी टफ लगेंगे और उनमें आप नंबर लूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ें कि हमारे नंबर लूज ना हो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इस सिलेबस में पैट के जो टॉपिक है वह है दोस्तों DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। जितने भाइयों को नहीं पता DI क्या है, आपने 6, 7, 8 पढ़ा होगा, ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, या जो चतुर्भुज नमा जो ग्राफ होते हैं उनसे इसमें दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 में इससे जो ग्राफ से प्रश्न 20 पूछे गए थे दोस्तों, बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, क्योंकि इसके बाद में आपको पेपर कराऊंगा 2021 के भी और 2022 के भी। 2021 में दोस्तों इसकी हुई तो 2 शिफ्ट हैं, और 2022 में पेपर हुआ इसकी हुई तो दोस्तों 4 शिफ्ट हैं। 6 पेपरों को दोस्तों मैं इसके बाद में आपको करवाना शुरू कर दूंगा, ताकि आप पेपरों को देख सके किस तरीके से परिवर्तन आया है। 2021 में दोस्तों जो इसके पेपर पूछे गए थे DI से प्रश्न 2021 में 20 आए थे, जो कि दोस्तों वेरी इजी थे, इतने इजी थे कि 8-9 में पढ़ने वाला बच्चा भी, जिसने भी कभी तैयारी नहीं की है, वो भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों 2022 का दोस्तों DI का पेपर हुआ था, मतलब पैट का पेपर हुआ था, उसमें DI के जो प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही दोस्तों अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, इतने अच्छे कि जिन्होंने DI की बहुत अच्छे से भी पढ़ा था उनसे भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए। और थोड़ी बहुत दोस्तों आयोग की भी यह गलती रही थी कि DI को उतना प्रॉपर तरीके से नहीं छापा गया था जितना छापना चाहिए था। DI के प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा था ग्राफ में कि किस तरीका का ग्राफ बना हुआ है।
इस तरीके इसलिए भी कुछ बच्चों के डीआई के प्रश्न छूटे थे। अगर आपको दोस्तों ग्राफ समझ में नहीं आता है तो आपके पूरे 5 प्रश्न वो फिर गलत हो जाएंगे। ग्राफ से दोस्तों 4 ग्राफ पूछे जाते हैं, 4 ग्राफ आपको पूछे जाएंगे। पाई ग्राफ देगा आपको, आयत ग्राफ देगा या बहुभुज ग्राफ देगा या जो कोई भी ग्राफ देता है आपको उससे प्रश्न पूछेगा, और एक ग्राफ से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरे डीआई से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह दोस्तों 20 नंबर का होता है। अब देखिए 100 नंबर के पेपर में आपसे 20 नंबर सिर्फ एक डीआई से पूछे जा रहे हैं। मैथ का पूरा सेक्शन भी दोस्तों डीआई नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है मैथ का, उससे आपसे 20 नंबर पूछे जाते हैं। और डीआई के लिए दोस्तों आप डीआई के प्रश्नों को बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपको मैथ में ही जो आपको टॉपिक दिया गया है औसत, और सॉरी दोस्तों मैंने यहां पर नहीं लिखा है, एक है दोस्तों प्रतिशत। अगर आप दोस्तों प्रतिशत और औसत अच्छे से आपको आता है तो आप डीआई के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको हल किए हुए डीआई के प्रश्न होना चाहिए। तो दोस्तों यह जो 20 नंबर है इनमें से आपको एक भी प्रश्न नहीं गलत करना है। अगर आपका इनमें से अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो आप यकीन मानिए लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अगर 99% आती है तो भी आप दोस्तों 1% मतलब 40 लाख अगर फॉर्म भरे गए तो 1% का मतलब कितना हुआ, देख सकते हैं आप खुद में ही कितने पीछे हो जाएंगे सिर्फ 1% की वजह से। आपको डीआई में एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, आपके पास टाइम पूरा है। इन 100 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में, इन 100 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, और सिर्फ जो टाइम टेकन है वो आपका डीआई और मैथ के ही जो साधारण सवाल आते हैं, मैं तो कहूंगा वो भी आप आसानी से कर लेंगे, सिर्फ आपका डीआई है। डीआई में आप 30 मिनट ले लीजिए, 35 मिनट ले लीजिए, 40 मिनट ले लीजिए। 20 प्रश्नों के लिए आप अगर 40 मिनट भी ले लेंगे तो आप दोस्तों आपके फिर भी आप काफी टाइम बचा रहेगा, सिर्फ आपको जीएस ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों कोशिश करिए इन 20 में से, कोशिश ना करिए आप 20 में से 20 ही लेकर आएंगे। एक भी प्रश्न हुआ गलत उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और बाद के फिर ना कहिए कि हमारे 85 में से कम हुए नंबर। डीआई में आप एक भी नंबर लूज नहीं करेंगे, जितनी मेहनत करनी है मैथ से ज्यादा आप डीआई में मेहनत करके, इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके ये 20 नंबर कंप्लीट हुए, इसके बाद में दोस्तों आते हैं 15 नंबर की आती है हमारी हिंदी। हिंदी में दोस्तों जिसमें से 10 नंबर का आता है गद्यांश। अब गद्यांश में आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप गद्यांश के 10 प्रश्नों को गद्यांश में पढ़िए और आंसर को दीजिए, इनको आप 10 नंबर को आसानी से कर लेंगे। इनको आपको कुछ भी कभी भी हम कह रहे हैं हिंदी में कभी भी गद्यांश सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप गद्यांश को पढ़िए, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, सॉल्व करिए। आपसे पूछे जाते हैं इसमें दोस्तों दो गद्यांश, और दोनों दोस्तों 5-5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का गद्यांश हो गया दोस्तों। तो आपके 20 और 10 30 नंबर, 30 में 30 आना चाहिए। 30 में दोस्तों अगर 29 भी हुए तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद में 5 नंबर की दोस्तों आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जैसे कि दोस्तों संस्कृत भिन्नार्थ शब्द आते हैं, शब्द विलोम आते हैं, शब्द विलोम अनेकार्थीय शब्द आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं, और भी दोस्तों आप अगर सिलेबस को देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में सिलेबस दिख रहा होगा कि किस विषय का कितना सिलेबस है। मैं दोस्तों वो बता रहा हूँ जिसमें आप कमजोर होंगे और आपसे प्रश्न पेपर में छूटेगा, क्योंकि दोस्तों 2 साल की मेरी मेहनत है, यकीनन मैं 2 साल की मेहनत से आपसे बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे प्रश्न को गलत करके आएंगे, और आप यकीनन पेपर में देखिए आपको प्रश्न वहीं पर गलत होगा। हिंदी में जो सामान्य हिंदी 5 नंबर की आती है उसमें दोस्तों आप जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप जितने भी प्रश्न आएंगे कर लेंगे, लेकिन आपसे जो प्रश्न गलत होंगे वो प्रश्न गलत होंगे आपके पर्यायवाची से और समसूत्र जो भिन्नार्थ शब्द होते हैं उनसे आपसे प्रश्न गलत होगा। यानी कि जो 1 नंबर का जो पर्यायवाची है पूछा जाता है उसको आप यकीनन आपके अगर जल्दी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आप उसमें 1 नंबर छोड़ के आएंगे। इसके बाद में लेखक एवं रचनाएं, क्योंकि दोस्तों लेखक एवं रचनाएं हिंदी में लिखकर तो दे रहा है, लेकिन दोस्तों लेखक एवं रचनाओं से ना तो 2021 में प्रश्न पूछा गया है और ना ही 2022 में प्रश्न पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलत करके पेपर में आएंगे, और मैं दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लेखक एवं रचनाएं हैं जो इनको आप ना देखें, क्योंकि लेखक उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज ही रहेंगे। एग्जाम में 90% चांस यही है कि इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है तो आप फिर गलत करके आएंगे, मैं खुद आपसे कहता हूं कि इसको आप गलत करके आइए, नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए।
ठीक पर्यायवाची से पूछा जाएगा या फिर एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। 90% चांस यह है कि इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पर्यायवाची से जो पूछा जाएगा, अगर आपने पर्यायवाची को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यह प्रश्न आप एक गलत करेंगे। तो इसमें से आप, मैं कहूंगा हिंदी में 5 में से आप 4 नंबर लेकर आएंगे। जहां पे दोस्तों छोड़ने का होगा मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे प्रश्न को छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। डीआई में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, गद्यांश में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, और फिर सामान्य हिंदी में आप एक प्रश्न को छोड़ सकते हैं, वो आप चाहे पर्यायवाची का आ रहा हो या आपको कोई सा भी प्रश्न हो सकता है, पर्यायवाची आ रहा हो कोई और ना आ रहा हो, तो हिंदी में आप 5 में 4 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 नंबर खत्म, आपको यहाँ पर 4 नंबर लाने हैं। फिर आता है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसा जैसा सिलेबस लिखा है वैसे वैसे सिलेबस को आप पढ़िए, ठीक है दोस्तों। यकीनन जो जितना सिलेबस लिखा है आप उतना ही पढ़ लेंगे, तो आप प्रश्न 10 में से 10 भी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, 6-7 प्रश्न आराम से कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो टॉपिक जिसमें से आप पढ़ भी लेंगे और प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, भारत की राज्य तथा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों इतना लिख के दिया है इन्होंने, अब इससे प्रश्न दोस्तों किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो भारत के किसी भी राज्य से लोक नृत्य को पूछ सकता है, ध्वज को पूछ सकता है, उनके प्रतीकों को पूछ सकता है, उसके क्षेत्रफल को पूछ सकता है, उससे कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं मान के यह चल रहा हूँ कि इससे आप एक प्रश्न को गलत करेंगे, अन्य जितना भी सिलेबस है उसको तो आप कर सकते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश है, दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो सीमाएं लगती हैं वो है, और देश है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय देश है, दिवस है, उनको भी आप आसानी से पढ़ लेंगे, दिवस को आप पढ़ लेंगे, दिवस से प्रश्न बनेगा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों भारत के राज्य एवं यूटी से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इन प्रश्नों को आप नहीं बना पाएंगे। तो 10 में से 1 नंबर हटाया पहला ये। भारतीय पर्यटन, भारतीय पर्यटन दोस्तों इतना ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपसे इसमें 1 नंबर मैंने आपसे कटवा दिया है, ताकि आपको ना लगे कि कितने प्रश्न मुझे करने हैं। 10 में से भारतीय पर्यटन से आपसे पूछा जा सकता है वो पर्यटन जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, जैसे कि एलोरा एवं अजंता की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी जो जनरली लोगों को पता होती है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें तो दोस्तों 70% चांस है कि आपने अगर थोड़े से भी भारत के पर्यटन स्थल पढ़ लिए तो आप कर जाएंगे। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको इस नंबर की 1 नंबर की छूट देता हूं, आप इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन दोस्तों आप पढ़ लेंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। फिर आता है दोस्तों कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर। दोस्तों अपने आप में एक विषय है और बहुत बड़ा विषय है, अब इससे दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, आप पढ़ लेंगे फिर भी हो सकता है आप इससे प्रश्न को ना बना पाए, इससे भी आप एक प्रश्न को चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर अवार्ड्स, अवार्ड्स बहुत सारे अवार्ड्स हैं और आप दोस्तों गैस नहीं कर सकते कि कौन सा अवार्ड पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप दोस्तों यह भी जो टॉपिक दिया गया है इन सभी टॉपिक्स में इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इन 4 नंबरों में भी आप भारतीय जो पर्यटन स्थल है इसको पूरी कोशिश करिए करिए, भारतीय पर्यटन स्थलों को, भारतीय राज्य, भारत के राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको छोड़िए, आज एवं कल्चर से छोड़िए, अवार्डों को छोड़िए, आप भारतीय पर्यटन जो है आपको मुश्किल से 100 भारतीय पर्यटन पढ़ना पड़ेंगे, अगर आप 100 पढ़ लेते हैं और किस राजवंश से उनका निर्माण करवाया गया, किस शासक ने निर्माण करवाया है, तो बस 100 में ही आपका काम हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप कोशिश करिए, थोड़ी सी अच्छी अगर आपकी मेहनत रहती है, पढ़ाई रहती है, तो इसको आप कर जाएंगे। तो इसमें 10 में से आपको 3 छोड़ना है और 10 में से आपको करना है 7, 10 में से 3 प्रश्नों को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और करना 7 है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको दोस्तों कोशिश करिए जैसे भी हो सही कर पाए, अगर फिर भी आपको लगता है गलत हो जाएगा तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 है, अगर आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों आती है करंट अफेयर्स। अब दोस्तों जितने भी भाई हैं चाहे वो कितनी भी मेहनत से करंट अफेयर्स को पढ़ ले फिर भी करंट अफेयर्स में पूरे नंबर नहीं ला सकते कोई भी, ठीक है। पूरी उम्मीद होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है करंट अफेयर्स में 10 में से 10 ही लगाते हैं, लेकिन उनके गलत होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा करंट अफेयर्स की आप ऑनलाइन जो क्लास होती है यूट्यूब पर उसको आप लीजिए, और एक कोई सी भी बुक आप परचेज कर लीजिए जो कि वार्षिक हो, पेपर के 1 महीना पहले आप उसको परचेज कर लें बुक को, और पर डे करंट अफेयर्स को तो पढ़ते चले, फिर उस बुक को जो है
लास्ट दोस्तों आपको मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बस की तो आप पढ़िए, लेकिन जो करंट अफेयर्स है 8 माह की, केवल आप 8 माह की पढ़िए, और लास्ट के जो 4 माह हैं पेपर के टाइम के, जैसे कि आपका पेपर अगर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के करीब में आपका पेपर होगा, अगर आपका पेपर नवंबर में होता है तो आप अक्टूबर तक की, अक्टूबर से 4 माह पहले तक की, जैसे कि सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की करंट अफेयर्स को आप रट लेंगे पूरी 4 माह की। 8 माह में जो बाद के 4 माह हैं उनकी करंट अफेयर्स को आपको रटना है, पूरे साल की तो पढ़ना है, पूरे साल में फिर 8 माह की अच्छे से याद करना है, फिर लास्ट पे आप लास्ट 4 महीने की अच्छे से याद करेंगे, उसी से दोस्तों 10 में ऐसे आपके 5% देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ आप इसमें 6 से 7% को ही सही करेंगे, और भी मैं इसमें से अगर से कम कर दूं तो आपको केवल 6 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। कितने दोस्तों? 6 प्रश्नों को। तो 10 में ऐसे इसमें कितने सॉल्व करना है? 6 प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, जहां पर छोड़ने का है, जितना आपको नहीं आता है, मैं समझ सकता हूं 10 में से आप 7-8% सॉल्व नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, लेकिन 6% जो मिनिमम है उसे आपको करना ही होगा। फिर इसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग के आपको यहां पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं उनमें से आप अगर रीजनिंग को नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते हैं शुरुआत के ही हर टॉपिक को, तो आप सभी को कर जाएंगे, लेकिन आपको जो दिक्कत होगी वो जो प्रश्न नहीं बनेगा, तो वो हो सकता है आपको कैलेंडर एंड क्लॉक से एक प्रश्न ना बने, कैलेंडर एवं क्लॉक से एक प्रश्न ना बने। इसलिए कैलेंडर एवं क्लॉक को अच्छे से पढ़िए, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, और हो सकता है कैलेंडर एवं क्लॉक से दोनों से एक एक प्रश्न दो पूछे जाएं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ताकि इससे जो प्रश्न दो बने उनको आप कर सकें। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना पड़ेगा, 5 में से आप 5 पूरे करेंगे। फिर आती है बात मैथ की। मैथ में दोस्तों पूर्ण संख्याएं हैं, भिन्न है, दशमलव है, साधारण समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घात एवं घातांक है, औसत है और प्रतिशत, औसत है और प्रतिशत। अगर आप डीआई के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको औसत और प्रतिशत के प्रश्नों, औसत और प्रतिशत को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप इनको पढ़ लेंगे उतने ही अच्छे से आप 20 में से 20 इस प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि पूरा डीआई सिर्फ औसत पे ही और प्रतिशत पे टिका हुआ है। तो पूर्ण संख्या इजी है, भिन्न, दशमलव, साधारण समीकरण, घात एवं घातांक, ये जो दोस्तों 3-4 टॉपिक है ये सभी को दोस्तों आते हैं, ज्यादा तो कोई मुश्किल नहीं है। साधारण समीकरण कितने नहीं आते, 6, 7, 8 में हमने अच्छे से पढ़े हैं, फिर 9 में 10 में भी अच्छे से पढ़े हैं। इसके बाद में भिन्न भी हमें अच्छे से आता है, दशमलव भी हमें अच्छे से आता है, इसके बाद में पूर्ण संख्याएं भी हमें अच्छे से आती हैं। हमें दोस्तों जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, ये जो दोस्तों 2 टॉपिक हैं इनको हमें पढ़ना है, प्रतिशत और औसत। केवल पूरे मैथ में आपको, मैथ के दोस्तों अगर मैं डिटेल में बात करूं तो पूरे मैथ में 34-35 टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको जो पढ़ना है प्रतिशत को पढ़ लीजिए आप, औसत को अच्छे से पढ़ लीजिए, वर्गमूल से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बना पाएंगे इस प्रश्न को, वर्गमूल के प्रश्नों करिए, और घात एवं घातांक को थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। इसमें तो दोस्तों आप 5 में 5 पूरे नंबर लेके आएंगे, इसमें से एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ सकते। तो देखते हैं इस सेक्शन में हमें कितने नंबर छोड़ने और हमारे कितने आ सकते हैं। डीआई में 20 में 20, हिंदी में 15 में से 14 नंबर हमें लाने होंगे, जीए में 10 में से 7 नंबर हमें लाने होंगे, करंट अफेयर्स में 10 में से 6, और यहाँ 5, 5, 5, 10, 7, 6, 13, 10 और 13, 23, 23 और 14, 23, 14, और डीआई के 20 नंबर, 4, 3, 7 और 2, 2, 4 और 1, 5। तो दोस्तों हमें 57 नंबर, 20, 15, 10, 10, 20, 40, 55, 60 और 65, 65 नंबरों में ऐसे हमें दोस्तों 57 नंबर इसमें लाना ही होगा, 65 में ऐसे 57 नंबर हमें इसमें लाना होगा। हमने कितने नंबरों को छोड़ा है दोस्तों? 5 और 3, 8 नंबरों को हमने छोड़ा है। इसमें भी आप दोस्तों करिए कि 3 नंबर का और बचाइए, कैसे भी करके इसमें सिर्फ आप 5 नंबर को ही गवाएंगे। नंबर कितने लाएंगे? कोशिश करिए 65 में से 60 लाने की, लेकिन आपके 57 भी अगर नंबर इसमें आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आपके नंबर रहेंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों सामान्य ज्ञान की।
सामान्य ज्ञान में विज्ञान है। विज्ञान को हम तीन भागों में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब दोस्तों देख सकते हैं विज्ञान अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। रासायनिक विज्ञान में आपसे जो पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस को आप जब देखेंगे तो आपको आसानी से सिलेबस में समझ उसमें लिखा है कि सामान्य जीवन से संबंधित जो ज्ञान होगा विज्ञान में वही आपसे पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान में तो आपसे पूछ लेगा सामान्य विज्ञान, लेकिन दोस्तों रासायन विज्ञान में आपसे पूछे जाते हैं सूत्र। 2021 का आप पेपर देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको रासायन विज्ञान से पूछा हुआ सूत्र देखेगा, वो आपको सूत्र केवल रासायन विज्ञान में याद होना चाहिए, और थोड़ा बहुत चाहे तो रासायन विज्ञान में आप पढ़ सकते हैं। जीव विज्ञान में ज्यादातर दोस्तों जीव विज्ञान से साधारण प्रश्न पूछा जाता है जो सभी को पता होता है। 6, 7, 8 में अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो आप जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न को कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों रासायनिक विज्ञान में अगर आपसे सूत्र उत्तर पूछ लेता है तो आप फिर उसे छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों 5 में से 4 नंबरों को आपको कैसे भी करके सॉल्व करना है। भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में थोड़े थोड़े टॉपिक, क्योंकि बहुत सरल सरल भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछता है। अगर संसद के बारे में पूछेगा तो संसद के दोस्तों बहुत सरल प्रश्न पूछेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, महान्यायवादी हो, महाधिवक्ता हो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, लिमिट से पूछता है। और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको 5 में से दोस्तों 5 नंबर लाने होंगे, 5 में से 5 नंबर लाने ही होंगे। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जब आप टॉपिक देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों आपको छोटे छोटे दोस्तों जो प्रश्न है उन्हीं को उन्होंने टॉपिक बना दिया है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है। तो जाहिर सी बात है सबको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और थोड़े से जो अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स बजट रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे आपसे जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, ना ही बहुत ज्यादा पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ लीजिए, ऑपरेशन फ्लड है, दुग्ध क्रांति पढ़ लीजिए, 1991 के बाद में जो सामाजिक जो पूंजीवादी जो परिवर्तन हुए उनको पढ़ लीजिए, 1991 के जो LPG मॉडल है उसको पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे इसमें यकीनन आप इसमें 5 में से 5 नंबर लाएंगे। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में किन्हें कहा जाता है, विश्व में किसे कहा जाता है, ऐसे जो टॉपिक सबको पता होते हैं प्रश्न वह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि यह जो है आपको कोई मेंस का पेपर नहीं है, ना ही आपको यह सिलेक्शन दिला रहा है, आपको सिर्फ यह दोस्तों एक यह है कि आप UP SSC की नजर में एक ऐसे छात्र हैं जो नौकरी के करने के काबिल है। तो इसमें दोस्तों आपको 5 में से 5 प्रश्न ही हल करने होंगे। इसके बाद में फिर आता है दोस्तों भूगोल। भूगोल को दोस्तों 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि बातें ना करो, चला नहीं आया तो कह रहे अबे अब्बा है। भूगोल को हम दोस्तों 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आता है भारत का भूगोल, एक आता है विश्व का भूगोल। अब 5 नंबरों में दोस्तों हो सकता है विश्व के भूगोल से आपसे एक प्रश्न पूछ ले, और विश्व के भूगोल में भी जो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड किसी भी ग्रह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और इससे ज्यादा विश्व के भूगोल से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 5 में से 1 प्रश्न विश्व के भूगोल से आएगा, और 4 प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे भारत के भूगोल से। और जो सिलेबस है वो आप भूगोल का यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट यही सिलेबस आप यूट्यूब पर सर्च करिए और पढ़ना शुरू करिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में दोस्तों आपको मैं आप बुक बता दूंगा, आप कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, यकीनन आपके बहुत अच्छे सामान्य ज्ञान में प्रश्न अच्छे नंबर आएंगे। भूगोल में दोस्तों इसमें आपको 5 में से 1 प्रश्न विश्व भूगोल का मिलेगा, जो कि काफी इजी होगा, आराम से आप उसे कर पाएंगे, और 4 प्रश्न आएंगे भारत के भूगोल से। तो इसमें भी दोस्तों आपको कोशिश करिए 5 में से 5 करने की, अगर आपके 4 भी आते हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें आप कोशिश करिए 5 में से 5 लाने के। फिर आता है दोस्तों इतिहास। इतिहास इसमें दोस्तों हमसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन जो इतिहास है वह 5 नंबर का, और आधुनिक जो इतिहास है जैसे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सामाजिक धार्मिक जो स्वतार सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं वो हुए, और जैसे भारत की 1947 है भारत की स्वतंत्रता, 1935 का अधिनियम, यहाँ पे सिलेबस भी आप देख सकते हैं।
क्योंकि अगर मैं सिलेबस अच्छे समझाता तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता। आप सिलेबस को यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों इसमें आप प्राचीन भारत को हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, और जब तक पेपर होगा उसमें हम मध्यकालीन भारत को भी पढ़ लेंगे 2 महीने में। तो इसके जो दोस्तों 5 प्रश्न हैं, आप प्राचीन भारत को पढ़ लीजिए और मध्यकालीन भारत को, जब तक पेपर होगा तब तक मैं आपको मध्यकालीन भारत करा दूंगा। यकीन मानिए और मुझ पर विश्वास करिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं 5 ही प्रश्न, 5 के 5 प्रश्न आप बना पाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आप सभी वीडियोस को क्रमशः प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देखते चलिए, तभी आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के 5 में आप 5ों प्रश्नों को करेंगे। लेकिन आधुनिक भारत में दोस्तों थोड़ी सी बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं। 1935 का, 1919 का, 1909 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसमें हो सकता है आप 1 नंबर को गवा दें। तो दोस्तों इसमें से आप 5 में से 4 नंबर कोशिश करिए लाने की। अब हो सकता है आप इसमें 5 में 5 हो जाए, इसमें आप 5 में 5 ना कर पाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी मेहनत से जब आप पढ़ेंगे पंख मोर फैमिली के साथ जोड़कर, तो इसमें से मैं पूरी गारंटी लेता हूं आपका 1 भी प्रश्न नहीं छूटेगा, भले ही आप इसमें स्पिक कर दें, क्योंकि हम इसको दोस्तों इतने टाइम में इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें से 5 में से 10 में से आपको 9 नंबर दोस्तों लाने ही होंगे। तो दोस्तों जैसे 5, 10, 15, 20 और 30, इन 30 नंबरों में आपको कितने लाने हैं? 4, 5, 5 और 4, 5, 5, 10, 4, 18, 18 और 10, 28। तो आपको 30 में से 27 नंबर लाने हैं, 30 में से 27 नंबर। यहाँ पे हमने देखा 57 नंबर और यहाँ पे आपको 27 नंबर। लास्ट बचा दोस्तों इंग्लिश। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा 5 नंबर का, क्योंकि इसमें से आपको सिलेबस में यहाँ पे आपको व्याकरण लिख के दे रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आपसे ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। आपसे जो पूछा जाएगा आपको पैराग्राफ देगा, उससे 3 नंबर पूछे जाएंगे पैसेज से 3 नंबर पूछे जाएंगे, और 2 नंबर जो है आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ वोकैब। साइनो एंटो पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, इसमें तो वोकैब में ऐसे आपसे कोई भी 2 प्रश्न पूछ सकता है। और वोकैब भी दोस्तों अगर आपने कभी भी इंग्लिश को पढ़ा है तो आप वोकैब के 2 प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अगर दोनों को भी नहीं कर पाते हैं तो आप 1 प्रश्न को कर पाएंगे, लेकिन वो भाई जिन्होंने इंग्लिश को कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आप दोस्तों इंग्लिश को मत छुइए, बिल्कुल भी आप ना छुइए। तो यह दोस्तों हमारी कितनी बात रही है? 84%। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आप इंग्लिश को पढ़ा है तो वोकैब के आप 2 में ऐसे तो आप 2 प्रश्नों कर सकते हैं, नहीं तो 2 में ऐसे आप 1 प्रश्न को कर सकते हैं। 2 में ऐसे आप वोकैब के 1 प्रश्न को कर सकते हैं, वोकैब में 1 प्रश्न। लेकिन जो पैसेज है, याद रखेंगे दोस्तों पैसेज की आप अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हैं तो पैसेज इस तरीके का बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है कि बैंकिंग जैसा या आपको सीजीएल जैसा दे, काफी इजी पैसेज रहता है। अगर आप आसानी से बना लेते हैं पैसेज को, तो यकीन मानिए आप 3 में से 3ों प्रश्नों को पैसेज में से कर जाएंगे, और 3 में से 3 और 4, यह भी अगर आप 4 प्रश्नों को छोड़ देंगे तो फिर भी आप इसमें से 5 में से 3 नंबर लेकर आइए। फिर उसमें आपको अगर नहीं आती है इंग्लिश बिल्कुल भी, तो आपका जो बगल वाला है या पीछे वाला मित्र है, आप उसको मैथ नहीं आती है तो आप उसको मैथ बता दीजिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंग्लिश बता देगा। अगर वो दोस्तों CBSE का है या आप उसे इंग्लिश आती है तो उससे आप इंग्लिश पूछ दीजिए, उसे आप हिंदी बता दीजिए। ऐसा थोड़ा सा आप व्यवहार बना के रखिए अपने बगल वाले साथी के साथ, यकीनन आप इंग्लिश में भी 5 में से 3 प्रश्न तो कर ही लेंगे। तो कितने हुए दोस्तों? 84 और 3, 87। जैसे कि मैंने बताया था 85+ नंबर का, यकीन मानिए पेपर भी कराऊंगा मैं, आपको यह भी दिखाऊंगा उस टाइम पे जितने जितने मैंने बताए हैं उतने ही प्रश्न आप छोड़ेंगे और वहीं पे प्रश्न आपके छूटेंगे। DI में 1 भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, 15 में से 14 प्रश्न हिंदी में करना है, GA में 10 में से 7, करंट अफेयर्स में 10 में से 6। देखिए यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न छोड़े हैं आपके लिए करंट अफेयर्स में, क्योंकि मुझे पता है आप कितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे 10 में से 10 नहीं ला सकते, आप 10 में से 7 आ सकते हैं। यह जो है आपके 87 में से 88 बन सकते हैं। इंग्लिश में आप एक गलत, हिंदी मीडियम के हैं आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप इन 5ों प्रश्नों को छोड़ दीजिए, छुइए मत, 5ों प्रश्नों को छुइए बिल्कुल नहीं। तो आपके कितने हुए? 84 हुए। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए, 10 में से 8 नंबर ले आइए, कितने हो जाएंगे? 86 हो जाएंगे।
बस यही है, आपको करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल, तो आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़िए। आप 2 महीने में आप इंग्लिश की तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप गद्यांश के प्रश्नों को जो पैसेज के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको बना लेंगे, तो आप यकीनन फिर दोस्तों आप 85+ आराम से नंबर ला सकते हैं। और यह दोस्तों जो रही, जो मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। DI को पढ़िए 20 लाइए, हिंदी को पढ़िए 15 लाइए, 20 और 15 35 हो गए। करंट अफेयर्स में अगर 7 ले आते हैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे नंबर है, करंट अफेयर्स में 10 में से 7 ले आते हैं बहुत अच्छे नंबर है। जनरल अवेयरनेस में 10 में से 7 ले आ सकते हैं आप, भारत के राज्यों को यूटीओ को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, या फिर आप जो सामान्य ज्ञान है जो जनरल अवेयरनेस है उसको आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इसमें 10 में से 10 भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रश्न टफ नहीं पूछे जाएंगे। आपके पास 2.5 महीने हैं अभी, दम से मेहनत करिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते रहें पूरे रात पढ़ते, नहीं दोस्तों, अपना रूटीन बनाइए। जितने भी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़े कुछ ना कुछ पढ़ना है, आप चाहे एक टॉपिक को पढ़ें चाहे आधा टॉपिक को पढ़ें, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को आपको डेली पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, एक एक पेज का लिखिए, दो दो पेज लिखिए, बस ज़्यादा नहीं लिखिए। लेकिन आप अगर 2 महीने तक, 2 महीने के मतलब 60 दिन, और 60 दिन का मतलब अगर आप डेली एक एक पेज हर विषय का लिखेंगे तो 60 पेज होंगे, और एक एक पेज का मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर हम करंट अफेयर्स को ही पूरा दिन पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, फिर करंट अफेयर्स का एक दिन करिए 60 पेज में तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाएगी, और फिर पढ़े पढ़ते चलिए। यकीन मानिए 2 महीने बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से हमने पेपर को अपने सॉल्व किया है, और पेपर के टाइम पे अब सिलेबस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, 5-6 जो 2021 के 2 पेपर हैं और 2022 के जो 4 सेप्टर 4 पेपर हैं, 6 पेपरों को दोस्तों अब आपको टाइमली मिलना शुरू हो जाएंगे। उन पेपरों को आप सॉल्व करिए, यकीनन आप पेपर में 85+ स्कोर करके आएंगे। यह रही दोस्तों पूरी डिटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।